हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे हेयर कंपनी की एलईडी की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और कैसी क्या क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है इस एलईडी की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अलग अलग एलईडियाँ मार्केट में अलग अलग लॉन्च हो रही हैं और अभी आपको मालूम है बहुत सारी एलईडी और जो प्राइस का सबसे मेन इशू मार्केट में आता है यही सबसे बड़ा इशू है। लोग जब भी मार्केट में व्यूवर्स एलईडी को परचेज करते हैं तो वो यही कंफ्यूज रहते हैं एलईडी कौन सी परचेज करनी है जो हमारे बजट में भी सूटेबल रहे और एक अच्छी एलईडी मार्केट में परचेज कर सकें। और इसी वजह से आज मैं हेयर कंपनी की देखता हूँ वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी कैसे क्या अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि व्यूवर्स ने मेरे को बोला कि आप हेयर कंपनी की भी एलईडी की अनबॉक्सिंग करो, तो इसी वजह से आज मैं हेयर कंपनी को लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो में, आप कंप्लीट बने रहिए, लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा इसमें कैसी क्या क्वालिटी अपने को देखने को मिलती है, कैसा क्या रिव्यू अपने को इस एलईडी का देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो एलईडी और यहाँ हाईलाइट में सबसे ऊपर हेयर की एलईडी का यहाँ मॉडल दिया हुआ है और 43 इंच की एलईडी अपने को देखने को मिल रही है, जिसका मॉडल है LE43F9000AP और स्मार्ट एलईडी आपको ये देखने को मिलेगी। 43 इंच की एलईडी है ही। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। सबसे पहले अपने को मिलती है यहाँ एलईडी बैक लिट और स्मार्ट एलईडी स्लिम बेजल अपने को यहाँ देखने को मिल ही रहा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, स्मार्ट शेयरिंग का यहाँ फीचर्स अपने को देखने को मिलेगा इस एलईडी के अंदर। HDMI वगैरह सब है ही और USB के वीडियो फॉर्मेट आप इसमें देख सकते हो। फिलहाल कर लेता हूँ मैं इसके मेन और हाईलाइट फीचर्स की बात। तो यहाँ अपने को मिल जाती है, इसमें जो लाइटिंग की रेटिंग दी हुई है वो है 3 स्टार। यहाँ अपने को मिल जाती है स्मार्ट TV और एंड्रॉयड सिस्टम इसमें है ही, स्लिम बेजल अपने को देखने को मिल ही रहा है। और फिलहाल कर लेता हूँ मैं इसके मैन्युफैक्चर की बात। तो यहाँ एलईडी पे मैन्युफैक्चर दी हुई है दिसंबर 2019 और फिलहाल लेटेस्ट ही मॉडल मेरे को ये देखने को मिल रहा है। और बॉक्स पे जो MRP दी हुई है वो है 47,000। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये एलईडी आपको मार्केट में कितने में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं करता हूँ इस एलईडी की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है और कैसी क्या अपने को बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी हेयर की, क्योंकि इसमें बॉक्स पे हाईलाइट दिया हुआ है स्लिम बेजल। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको लॉयड की एलईडी की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, उसी एलईडी के अंदर मेरे को काफ़ी स्लिम बेजल यहाँ देखने को मिला था। देखते हैं इस हेयर की एलईडी में भी स्लिम बेजल देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ मैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग। टेबल में क्या है, थोड़ी जगह की शॉर्टेज यहाँ मेरे को देखने को मिल रही है, तो मैं नीचे रख लेता हूँ एलईडी को। और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ मेरे को मिलता है इस एलईडी के अंदर रिमोट, और रिमोट क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसको एक बार ओपन करके देखता हूँ, क्योंकि ऐसा रिमोट तो शायद अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। ये क्या है, फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। और फ्रेंड्स, ये है रिमोट का फर्स्ट लुक। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ इसके बैक पैनल की बात। तो यहाँ मेरे को क्या बात है, मज़े आ गए। ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, इसमें आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो कीबोर्ड के जैसे, और इसमें सब फीचर्स यहाँ मेरे को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। पहली बार ये मैंने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ इस एलईडी की हेयर की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हेयर में मेरे को व्यूअर्स बोले थे, मेरे को लग रहा है यार काफ़ी अच्छा यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मेरे को ऐसा रिमोट कहीं भी देखने को नहीं मिला है। मैंने सोनी की एलईडियों की अनबॉक्सिंग करके देख ली करीबन 1,00,000 रुपये तक की, और एलजी की भी मैंने काफ़ी एलईडियों की अनबॉक्सिंग की है, वहाँ तक मेरे को ये रिमोट ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसमें ये अच्छा मेरे को फीचर्स देखने को मिला है, और मैं जब एलईडी का कंप्लीट सेटअप तैयार कर लूँगा उसके बाद में देखूँगा मैं इसमें टाइप करके कैसे क्या अपने को ये चलता है, कैसे क्या ये काम करेगा वर्क। तो फिलहाल इसको रखता हूँ मैं थोड़ा साइड में और बॉक्स में देखते हैं क्या क्या अपने को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एलईडी का सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है जब मैं उसको ओपन करता हूँ, सेटअप करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं कंप्लीट सेटअप करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सेटअप तैयार कर लिया इस एलईडी का।
जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था बॉक्स पे स्लिम बेजल, वैसा ही मेरे को यहाँ स्लिम बेजल देखने को मिल रहा है। बात करूँ मैं इसके टेबल टॉप स्टैंड की तो वो भी मेरे को बहुत स्लिम यहाँ मेरे को देखने को मिल रहे हैं और जो दिखने भी बहुत ही यूनिक यहाँ मेरे को देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ इसके पोर्ट्स की, तो फ्रेंड्स यहाँ पावर की केबल अपने को डायरेक्ट यहाँ देखने को मिल रही है इसमें। तो फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ इसके HDMI पोर्ट की, तो यहाँ अपने को इस LED के अंदर 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलेंगे, वहीं 2 USB पोर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ अपने को कोएक्सियल केबल का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इसमें नीचे की तरफ दिए हुए हैं ऑडियो वीडियो की यहाँ केबलें, और यहाँ अपने को मिल जाता है इस LED के अंदर VGA पोर्ट, और यहाँ अपने को मिल जाता है Ethernet का सपोर्ट जो आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। तो फ्रेंड्स इस LED की मैं कराने जा रहा हूँ आपको वीडियो क्वालिटी टेस्ट, देखते हैं कैसी क्वालिटी अपने को देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स करता हूँ मैं इस रिमोट के अंदर बैटरीज इंस्टॉल, और बैटरीज इंस्टॉल कहाँ होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को अभी तक। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, इसमें पीछे की तरफ दिया हुआ है रिमोट के जस्ट नीचे हेयर का यहाँ ब्रांडिंग, आपको यहाँ हल्का सा इसे प्रेस करना है और ये देखो ओपन हो जाएगा, और यहाँ अपने को लगाने हैं सेल, और ये हो गई बैटरीज हो गई है इंस्टॉल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसमें वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कराने जा रहा हूँ, और वीडियो क्वालिटी तो चल ही रही है और फिलहाल मैं इसके कराने जा रहा हूँ ऑडियो क्वालिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें वीडियो क्वालिटी टेस्ट कराई, वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ मेरे को देखने को मिली है, और इसमें आपको 10-10 वाट के दो स्पीकर देखने को मिलेंगे जिनका टोटल आउटपुट 20 वाट है, लेकिन मेरे को स्पीकर की क्वालिटी इतनी मेरे को बेस्ट लगी नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने सोनी और LG के अंदर 10-10 वाट के स्पीकरों की टेस्टिंग की थी तो उनके मुकाबले मेरे को काफ़ी कमी यहाँ मेरे को वॉल्यूम देखने को मिली है, और इसमें आपको 1 GB रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वहीं आपको इसमें 8 GB रोम देखने को मिलेगी। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजोन और हॉटस्टार का सपोर्ट आपको इस LED में देखने को मिलेगा, और LED की 3 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इस LED में मेरे को VGA पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिला है। आजकल क्या है मार्केट में LG सैमसंग सोनी ने तो ये फीचर्स बंद ही कर दिया है, इसमें VGA पोर्ट का सपोर्ट यहाँ अगर आपके पास अगर एक नॉर्मल PC भी हो तो आप इसमें चला सकते हो, क्योंकि VGA पोर्ट आजकल हर कंपनियों ने बंद कर दिया है, इसमें वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर्स रहता है ये। इस LED में आपको 3 ईयर की वारंटी मिली रही है, और जो रिमोट के अंदर मेरे को फीचर्स देखने को मिले हैं इसमें वॉइस सर्चिंग का भी फीचर्स यहाँ है, आप जैसे LG के अंदर भी था सोनी के अंदर भी था वो फीचर्स इसमें अवेलेबल है वॉइस सर्चिंग का। और जो इसमें सबसे अच्छा फीचर्स ये है एक कीबोर्ड के लिए, अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो इस कीबोर्ड के जरिए। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें इंटरनेट चला के अभी दिखाता, लेकिन मेरे पास गीगा फाइबर का लगाया हुआ है, उसके सर्वर में आज इशू चल रहा है, इस वजह से नेट में चला के नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस LED के अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हर LED के अंदर हर कंपनी का रिमोट तो काम करता ही है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें मेरे पास ये है देखो LG का 4K की LED का रिमोट है, और वो कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है ये कैसे काम करता है, ये देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं LED को ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो LED ऑफ हो गई है इस मैजिक रिमोट से, और ये LG का रिमोट आपको मैं दिखाई रहा हूँ। अब मैं LED ऑन करता हूँ, ये देखो LED ऑन हो जाएगी, ये देखो आपके सामने LED ऑन हो गई है, और मैं इसमें आपको देखिए देखो वॉल्यूम, फ्रेंड्स मैं इस रिमोट में आपको ये बताना चाहता हूँ आप इसमें ऑन ऑफ कर सकते हो, वॉल्यूम को कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट आप इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीट ये रिमोट भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ देखने को मिला है, अगर आपके पास LG की LED हो और हेयर की भी LED अगर आपके पास हो तो आप दोनों के रिमोट यूज़ कर सकते हो, और
बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।